फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो डोचन है वो हिसु से पूछता है कि मुझे डेट करो। इसके बाद सुनकर जो हिसु है वो उसे बोलता है कि क्या, और फिर वो उसे बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तभी डोचन उससे कहता है कि क्यों, तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगे जब तक कि ये मनी और लाइफ से रिलेटेड नहीं है, तुम मेरी सारी बात मानोगे, तो अभी तुम्हें ये मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी। तभी जो हिसु है वो अपने मन में सोच रहा है, ये सडनली ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे मैं याद तो नहीं आ गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो फिर एक और पॉसिबिलिटी के बारे में सोचता है कि कहीं से बूजू के बारे में पता तो नहीं चल गया और अभी ये मुझे सड्यूस कर रहा है ताकि मेरे चाइल्ड को मुझसे दूर ले जा सके। और फिर वो खुद की थिंकिंग पर कंट्रोल करता है और बोलता है कि नहीं, मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर वो उससे बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सडनली है और मुझे नहीं पता कि आप मुझे डेट क्यों करना चाहते हैं। और तभी जो डोजन है वो उससे बोलता है क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कंटिन्यूसली किसी और लड़के के, मतलब किसी के साथ सेट करने में लगे हुए हैं, और फिर से मुझे अभी किसी ब्लाइंड डेट पर जाना होगा और मैं सारी चीज़ों से थक चुका हूँ, और तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तभी जो हिसु है वो अपने मन में सोच रहा है तो इसका मतलब ये चाहता है कि मैं इसके साथ डिनर को अटेंड करूं और एक्ट करूं इसके लवर होने का। और उसकी बात सुनकर जो डोजन है वो उस कहता है हाँ ऐसा ही है। तभी जो हिसु अपने मन में सोचता है ठीक है फिर, और वैसे भी मैं अवॉइड करूंगा ताकि मैं तुम्हारे जो मैटर्स हैं उनमें इन्वॉल्व ना हूं। तभी हिसु पूछता है डोजन से तो फिर क्या जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो गिव अप कर देंगे मेरे कारण, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बहुत बड़ी है। और फिर वो उससे बोलता है तुम्हें अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तभी डोजन उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुम ओवर टाइम वर्क करोगे तो मैं तुम्हें डबल पे करूँगा। और फिर उसकी बात सुनकर जो हिसु है वो सोचता है कि इससे मेरी जो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सेफ हो जाएगी, और जो वो जो है मैं उसके लिए काफ़ी अच्छा डिलीशियस फूड बाय कर सकता हूँ और उसके लिए न्यू क्लोथ्स और टॉयज ले सकता हूँ। और फिर पैसे की बात सुनकर वो उसे हाँ बुक कर देता है। और फिर वो सोचता है ये सिर्फ एक्टिंग ही तो है, और वैसे भी मैं एक्चुअल में थोड़ी उसे डेट करूँगा। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो डोजन है वो हिसु को एक बहुत ही बड़े शोरूम में लेकर गया होता है और उसे रेडी करवा रहा होता है। और जब वो आता है तो हिसु काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और डोजन उसे देखता ही रह जाता है। तभी हिसु उससे पूछ रहा है कि मैं वियर्ड तो नहीं लग रहा, तो डोजन उससे कहता है नहीं तुम काफ़ी अच्छा लग रहे हो। और फिर वो उसे अपने साथ डिनर में लेकर जाता है, मतलब उस लड़के के साथ, और वो लड़का भी काफ़ी अच्छा होता है और वो एक ओमेगा होता है, उसका नाम होता है मिनजिन, जो कि उसी की मतलब कंपनी के किसी एम्प्लॉय का लड़का होता है। और वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है और उससे उसके फेरोमोन्स की तारीफ़ करता है। और वो अपने मन में सोचता है जो मिनजिन है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा अल्फा है और पावरफुल है, मैं सच में इसके साथ रहना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है जो भी र्यूमर्स थे। और फिर वो सोचता है ये बिल्कुल मेरे टाइप का है और मैं इसके साथ अभी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। और वो दोनों फिर डिनर कर रहे होते हैं और कुछ बातें करते हैं। तभी जो डोजन है वो उसे बोलता है कि मेरी जो ओपिनियन है हमारी ये ब्लाइंड डेट को लेकर डिफरेंट है, मैं यहाँ सर सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से आया हूँ। तभी हम पीछे उसके देखते हैं हिसु को, जो कि बोल रहा होता है कि डोमिनेट ओमेगा कितना ज़्यादा गॉर्जियस है। और फिर वो उन्हें मतलब याद करता है कैसे डोजन ने उससे बोला था कि तुम यहीं से उन दोनों पर नज़र रखो, और जैसे ही मैं वहाँ पर अपने लवर का नाम लूँ, मतलब लवर के बारे में बोलूँ, तो तभी वहाँ पर आ जाना। तो उसकी बात सुनकर जो हिसु है वो वहीं पर होता है और फिर वो अपने आपको बार बार समझा रहा होता है कि मैं ये सिर्फ मनी के लिए कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही हम देखते हैं वहाँ पर जो डोजन है बोलता है कि आई हैव अ लवर, देन
जो हिसो अपनी एंट्री लेता है और उसे देखकर वो मिंजन है वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो हिसो है वो डोजन के पास आता है और उसे बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि हम दोनों लवर्स हैं। और उसकी बात सुनकर मिंजन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये क्या है, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए मिस्टर डोजन। तभी डोजन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मेरा लवर है एक, और वो पीछे से उसे हग करता है। और जो डोजन है वो आगे बोलता है और मैं सोच रहा हूँ मैं इससे बहुत ही जल्दी शादी करूँगा। और उसके बाद सुनकर मिंजन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें इसके लिए मुझे अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देनी होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जो डोजन है वो बात करता है हिसु से और उसे बोलता है कि तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और मिंजन वो सब देखते ही रहते हैं। और हम उधर देखते हैं वहाँ पर साइड पे, मतलब दूसरे सीन में, जो डोजन है और हिसु है वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं और डोजन हिसु से बोल रहा होता है कि तुमने आज काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, और उसे उसके साथ डिनर करता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे से इंजॉय करते हैं। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जो डोजन है वो हिसु को छोड़ने के लिए आया होता है उसके घर। तो हिसु से बोलता है कि मैं ये तुम्हें क्लोज रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। और उसकी बात सुनकर जो डोजन है उसे बोलता है कि नहीं, ऐसी की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारा बोनस गिफ्ट है आज के काम के लिए। तभी जो हिसु है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी मतलब वहाँ से जाने से पहले जो डोजन है वो हिसु का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है कि वैसे मुझे नहीं लगता जो मेरे पेरेंट्स हैं वो इतनी जल्दी रुकेंगे और वो मेरे लिए ऐसी ब्लाइंड डेट्स को कंटिन्यू करते रहेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है, मुझे लगता है कि ये मैं ज़्यादा ही स्ट्रेटली बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लवर बनना चाहोगे। और फिर वो उसे मतलब किस कर लेता वहीं पर। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।